मुनीम जी जी मालिक, जब भी हम इन गरीबों में घूमते हैं हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात आती है। कौन सी मालिक? कि इनके घरों पे कब्जा कर लिया जाए, न जाने हमारा ये सपना कब पूरा होगा। जल्दी पूरा होगा, जब आप इनकी जमीन जायदाद छीनकर खा सकते हो तो जमीन की कौन सी बड़ी बात है। मालिक मालिक, मैं लड़के को पुलिस पकड़ ले गई। क्या बात हुई, क्यों लेकर गई? केकड़ा ठाकुर के यहाँ मेरा लड़का काम करता था। ठाकुर साहब, मेरा लड़का केकड़े ठाकुर के खेत में से एक टमाटर तोड़ के लिया, इसलिए पुलिस ले गई उसे। मुनीम जी जी, थाने में इंस्पेक्टर कौन है? उसे कहो कि इनके लड़के को छोड़ दे। कौन है भानु प्रताप, उससे कहो यहाँ खुद आकर मिले। ठाकुर साहब, उसने उसको नहीं छोड़ा, वो आपको वहीं बुलाना चाहता है। यस, केकड़ा ठाकुर। ठाकुर साहब, कोई भानु प्रताप का आदमी आया था, कह रहा था कि इसे लड़के को छोड़ दो। मैंने नहीं छोड़ा। अबे मर जानिया, छोड़ना भी मत, 1000 रुपए दूंगा। अरे ठाकुर साहब, कहाँ 1000 रुपए की बात कर रहे हो यार, मैं तो 100 रुपए में मान जाता। मुनीम जी। जी मालिक। गाड़ी निकालो। ठाकुर साहब, गाड़ी कब से तैयार है? अरे मुनीम जी, तुमने गाड़ी नहीं धुलाई हो? अरे वो धुल गई थी ना, इसलिए। चलो। अरे ठाकुर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप ही चलाओ गाड़ी। नहीं नहीं, आप ही चलाओ। तो इसी हिसाब से तो आपको यहाँ तक के धक्का मारना पड़ेगा। धक्का मारना पड़ेगा, उस हिसाब से तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम धक्का मारो ना। ठाकुर साहब ना, गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी, मेरी कमर में तो दर्द हो रही है। ठाकुर साहब, ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी धक्का मारो। मुनीम जी, जी गाड़ी पार्किंग में लगा के आओ, इतना हम थानेदार से बात करते हैं। अभी लगा के आता हूँ। जानते क्या हो तुम टमाटर के भाव के बारे में? देखिए, आगे की लाइन मत दो मुझे, उसे अभी के अभी छोड़ो। ओ, तुम हो ठाकुर भानु प्रताप सिंह, हवलदार। उस लड़के को से बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसके साथ इसे भी अंदर करो। सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर साहब, तुम तो बुरा मान गए, तुम्हें कह कौन रहा उसे छोड़ने की। गोली मारो मेरी तरफ से उसे, अभी गोली। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मिठाई भिजवाता हूँ। सुन बे, हवलदार। यहाँ गणा चाहिए कि हम छित का छूटे, मतलब ये निशान विशान सही करो और मैं भी सही करता हूँ। बहुत मारा है मुझे तो, नहीं बहुत मारा। और कहानी ये रखना कि ठाकुर साहब जब आए एकदम छोड़ दिया उसने देखते ही, है ना। निशान लग रही है, निशान सही करो। हो गई, चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। अरे थोड़ा हंसते हुए हैं, मतलब किसी को पता ना लगना चाहिए कि हम पीते हैं। और बात यही रखना कि ठाकुर साहब को देखते ही एकदम छोड़ दिया। ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते में ओ सड़क पर
एक मोड आया रस्तो ओ तेरी ओए 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 अब यार चैन उतर गई, अब चैन करनी पड़ेगी यार। पांक अरे हीरा भाई आओ, तुम यहाँ चैन चढ़ाते रहोगे वहां तुम्हारी मसरू का रिश्ता कर रहे हो उसके घर वाले। अरे मसरू का रिश्ता है रहा? हाँ अच्छा घर जा रहे हो और कहाँ जा रहे? घर कहाँ सी? अपने घर, घर जहाँ बाहर रहे वहाँ। अब बात तुम्हारी इस पे, हमें इस पे कर लेंगे। इस पे? अब बात देख के मान जाएंगे, गुस्सा देखा आंखों में, नू का आ जा बेटे आ जा, चुटकी भर का नाश्ता करवाऊंगा तेरा, मतलब नू बात कहने की हक कुल मिलाकर एक्सेप्ट कर। नू का आ जा नाश्ता कर। ये तो कोई बात नहीं, चलो फिर। हाँ आ जा। हमारे पापू जी। हीरा बेटे आ गए तुम, ये कौन है? ये मसरू है, भाग के शादी किया हमने। क्या इतनी बड़ी गुस्तागी, नाक कटवा दी तुमने हमारी। नीम जी। जी मालिक। कागज दे, ये उठाओ अपने हिस्से के कागजात और दफा हो जाओ यहाँ से। तुम हमारे खानदान के सबसे बेकार इंसान हो, और उससे भी बेकार है ये लड़की जिसने तुम्हारा हाथ थामाया। देख बुड्ढे मुझे न कह जब सी, वरना तब अद्दा मार के सिर फोड़ दूंगी, कभी ज्यादा लाड़ मारा होगा। बाबूजी इसमें तो बाजरे वाले खेत के कागज ही नहीं है। पांक वो तो दो। नो 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 नो। ओ बुड्ढे दिख नहीं रहा तुझे, ज्यादा बुड्ढा हो। संस्कार कितने बेकार हैं इस बच्चे के। संस्कार खत्म क्यों नहीं हो गए मालिक, पोता भी तुम्हारा है। क्या हमारा पोता? मुनीम जी। जी मालिक। हमारे जन्मदिन का निमंत्रण दे कर आओ इस इनके घर। कोरी कोरी सपनी मेरी परसों से थी कितनी अधूरी, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दी उनको पूरे। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको पूरे।
बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। अब थोड़ा मान दे भाई 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 भाई